अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ईरान आज पूरी दुनिया में वो नाम है जिसने वक्त की सुपर पावर से दुश्मनी मोल ली थी। महज एक छोटा सा मुल्क, अगर इसकी आबादी को भारत की आबादी से मुआजना किया जाए तो कर्नाटक से थोड़ी ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन जिस काम में गैरत बाकी रहती है उसके सामने कितना भी बड़ा दुश्मन आ जाए कहीं हारता नहीं है, क्योंकि मुल्क के अफराद ही इसकी ताकत होती है। कहते हैं अमेरिका ने इस पर पाबंदी लगाते हुए गेहूं को ईरान न भेजने का फैसला लिया था, तो ईरान ने इस पर जवाब दिया कि हम गेहूं खाना ही छोड़ देंगे। खैर, आज फिर से ईरान का तस्करा दुनिया भर में किया जा रहा है। इसकी वजह सदर ईरान इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत। ईरान ने रईसी और वजीर अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ कुल 9 अफरादों की मौत हुई थी। इत्तला के मुताबिक सदर ईरान इब्राहिम रईसी, वजीर अमीर अब्दुल्लाहियान अजरबैजान के तबरेज शहर के एक डैम के इफ्तिताह में शरीक होने जा रहे थे। मौसम की खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ ऐसा बताया जा रहा है। ईरान ने तुर्की और यूरोप से मदद तलब फरमाई, लिहाजा रैपिड रिस्पांस सैटेलाइट को तैनात किया गया, लेकिन तुर्की के ड्रोन ने हेलीकॉप्टर के मलबे को तलाश लिया। सदर ईरान इब्राहिम रईसी की मौत के बाद दुनिया भर में हलचल देखी जा रही है। अगर दूसरे पस मंजर में देखा जाए तो ईरान का तस्करा होने की एक और वजह कि वो सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर अमेरिका और फलस्तीन के साथ भिड़ चुका है। एक तरह से ईरान को सुपर पावर ही कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ सीधे तौर पर पंगा लेना बड़े बड़े मुल्कों के बस की बात नहीं थी। बड़े बड़े मुल्कों की कुव्वत से बाहर का काम था, लेकिन पिछले एक अरसे से दुनिया के ताकतवर मुल्क अमेरिका और इसराइल के नाक में अगर किसी ने दम किया है तो वो ईरान वाहिद मुल्क। अब रईसी की मौत को लेकर भी कई अफवाहें खबरें इम्कानात गश्त कर रहे। जाहिर है दुनिया का ताकतवर मुल्क ईरान के सदर का इस तरह हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल करना कोई मामूली बात तो नहीं थी, लिहाजा इस पर कभी ईरान के अंदरूनी सियासी मामला तो कभी इसराइल की जानिब शक से देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि इससे पहले हेलीकॉप्टर हादसे नहीं हुए और बड़े बड़े फौजी अफसरान, कमांडर, सियासी लीडरान भी हादसे का शिकार हुए। भारत में भी कई हादसे हो चुके हैं। भारत में भी कई बड़े लीडरान की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश से हुई है। सुभाष चंद्र बोस से लेकर 2021 दिसंबर में सीडीएस मुखिया बिपिन रावत भी हादसे का शिकार हुए जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। लिहाजा हर हादसे पर सवाल जरूर उठे, क्योंकि हेलीकॉप्टर में मरने वाली शख्सियत कोई मामूली नहीं होती। अब जब ईरान इसराइल दुश्मनी उरूज पर है तो मोसाद और इसराइली एजेंसी पर शक करना भी लाजिम हो जाता है। अगर भारत और ईरान की बात कही जाए तो भारत और ईरान के ताल्लुकात पहले से ही बेहतर रहे, लेकिन कभी कभार गोदी मीडिया को इसमें भी हिंदू मुस्लिम करने की सुस्ती रहती है। फलस्तीन इसराइल जंग के वक्त तो गोया इसराइल से ही इन्हें सब कुछ मिल रहा हो ऐसी रिपोर्टिंग करते रहते थे, जबकि भारत और ईरान की दोस्ती बहुत पहले से है। लेकिन मोदी हुकूमत के बाद आलमी सतह पर भारत की छवि और भक्तों की जहनियत ने मुल्क की तस्वीर को ही दागदार बनाकर रख दिया। उम्मीद करते हैं 4 जून को जब मोदी हुकूमत जाएगी तो फिर से आलमी सतह पर लगे दाग धुल जाएंगे। अभी पिछले हफ्ते ही चाबहार पोर्ट की जिम्मेदारी 10 साल के लिए भारत को दी गई, मतलब आज भी ताल्लुकात बेहतर है। दरमियान में कुछ भक्तों का ख्याल रखने के लिए गोदी मीडिया उलझुल बातें कर ध्यान भटकाता रहता है, जबकि डिप्लोमेटिक रिश्ते अपनी जगह पर चलते रहते हैं। रईसी को लेकर भी कुछ गोदी मीडिया गलत खबरें फैला रही है। ईरान में ही रईसी की मौत पर जश्न और मिठाइयां बांटी जा रही है की खबरें चला रही है, जबकि इत्तला के मुताबिक रईसी की मकबूलियत इतनी है और अब तक ताकतवर कायदों में से एक माना जाता रहा है। अभी इनकी जनाजे की नमाजों में जो भीड़ उमड़ पड़ी है एक सैलाब देखने को मिल रहा है। इनकी 4 जगहों पर नमाज जनाजा अदा की जा रही है, सिलसिला जारी है और तदफीन जुमेरात को मशहद में होगी। इनकी मौत हुई उस तबरेज शहर में भी पहले नमाज जनाजा अदा की गई, दूसरी नमाज जनाजा कुम में होगी जहां इन्होंने तालीम हासिल की थी, तीसरी नमाज जनाजा दारुल शहर तेहरान में और चौथी नमाज जनाजा ईरान के मुकद्दस शहर मशहद में अदा की जाएगी। मशहद को शहीदों का शहर कहा जाता है। यहाँ शियाओं के कई इमामों की मजारें हैं, खास तौर से अब्बासी खलीफा हारून रशीद और शिया के 8वें इमाम इमाम रजा का सबसे बड़ा मकबरा इसी मशहद में है। ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन आयतुल्लाह खोमेनी के दौर में हुआ, तो इसमें भी रईसी का अहम किरदार बताया जाता रहा है। आयतुल्लाह खोमेनी के काफी करीबी भी कहा जाता रहा है। अमरीका इस्लाम का दुश्मन है और इनसे किसी हाल में दोस्ती मंजूर नहीं का नारा इन्होंने ही लगाया था। आज भारत में भी एक दिन का सोग इनके इंतकाल पर मनाया गया, भारत का परचम भी आधे पे झुकाया गया। यूनाइटेड नेशन काउंसिल में भी रईसी की मौत पर अफसोस का इजहार किया गया, जबकि अमेरिका ईरान एक दूसरे के दुश्मन है। तमाम अमेरिकी लीडरों ने खड़े होकर तजियत पेश की। इस तरह आर्मेनिया के पार्लियामेंट में भी रईसी की मौत पर 1 मिनट का मौन रखा गया। लिहाजा रईसी की मौत से ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि रईसी शिद्दत पसंद इस्लामी सोच और फिक्र रखने वाले थे
अमेरिका ने इससे पहले भी हिजबुल्लाह हमास को इन्हीं की तरफ से इसराइल के खिलाफ मदद मिलने का इल्जाम बारहा लगाते हुए देखा गया। फलस्तीन और हमास को ईरान कभी छिपकर तो कभी खोलकर सपोर्ट करता रहा। ईरान ही की टेक्नोलॉजी ने दुनिया की सबसे महफूज तरीन इसराइल की आयरन डोम की तबाही का फॉर्मूला दिया था, ऐसा कहा जाता है। खैर, अब भारत ईरान का नजदीकी बना हुआ है। डिप्लोमेटिक रास्ते से अमेरिका को भारत भी शिकस्त देना चाहता है। दुनिया भर में सियासी हालात तस्वीरें बदल रही है। ईरान की ताकत का अंदाजा भी अब दुनिया को हो रहा है। अमेरिका की दादागिरी अब जवाल पजीर हो रही है। इससे पहले भारत अमेरिका की हिमायत में देखने को मिलता था। मोदी ट्रंप रिश्ते तो सभी जानते हैं, लेकिन चाबहार समझौते ने भारत की डिप्लोमेसी को नई दिशा देने का काम किया है। यकीनन भारत को अब अमेरिका की नाराजगी को भी समझना होगा, लेकिन आलमी सतह पर बदलती तस्वीर बहुत कुछ बदलने पर मजबूर कर रही है। भारत का ईरान के साथ समझौता ऐसे वक्त में जब दुनिया आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है। अमेरिका से एक तरफ भारत ने विरोध ही किया है, जाहिर है इससे अंधभक्तों की भी परेशानी में इजाफा होगा, क्योंकि अमेरिका मुस्लिम दुश्मनी में पेश रहेगा, ऐसी उम्मीद भारत के साथ यहाँ के अंधभक्तों को भी थी। लेकिन आलमी सतह पर हर शोबे में भारत नाकाम होता रहा। अब तो अमेरिका का दुश्मन नंबर वन ईरान के साथ भारत की करीबी एक सिफारती मनसूबा ही कह सकते हैं। भारत चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के हेरात, कंधार, काबुल और मजार शरीफ तक सड़क से अपने पहुंच बनाना चाहता है। एक और वजह यह भी है कि अफगानिस्तान के साथ बेहतर कनेक्टिविटी से सियासी ताल्लुकात में सुधार हो सकता है। लिहाजा अब रईसी की मौत को लेकर इनके जनाजे में शरीक होने के लिए भारत के नायब सदर आला जगदीप धनखड़ ईरान के लिए बरोज बुध रवाना हो सकते हैं। इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि मोसाद ने लेसर गन से हेलीकॉप्टर को मार गिराया हो, या ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात ही रईसी की मौत की वजह हो सकती वगैरह। जो भी हो, लेकिन ईरान दुनिया के ताकतवर मुल्कों में अपना नाम दर्ज करने में कामयाब हो चुका है। खुद इसराइल ने रईसी की मौत के पीछे मोसाद का या इसराइल का हाथ न होने की बात को कबूल की है। इतना तो जरूर है कि जिस मुल्क के शहरी गैरतमंद हो तो वक्त का फिरौन भी किस तरह झुकता है इसे, और दुनिया खुद लोहा मनवाने पर मजबूर हो सकती है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।